हेलो एवरीवन, दिस इज मी मंजू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वुमेन्स स्टाइल अप। फ्रेंड्स, आज मैं आपको दिखाऊंगी किस तरह से आप अपनी नॉर्मल सिल्क की साड़ी को नौवारी स्टाइल में ड्रेप कर सकते हो, वो भी जिगजैग पैटर्न में। आप में से बहुत सारे लोगों ने इसके लिए रिक्वेस्ट की थी, सो बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने अपनी साड़ी ले ली है और ये मेरी कांजीवरम सिल्क साड़ी है। मैंने इसे फ्लिपकार्ट से परचेज किया था। बाय लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब यहाँ पर जो मैंने साड़ी ली है, इसका ब्लाउज पीस हमने अभी तक रिमूव नहीं किया है। तो आपको ऐसी साड़ी लेनी है जिसका ब्लाउज पीस आपने रिमूव नहीं किया हो। और ये देखिए, ये इसका ब्लाउज पीस है। अब हम साड़ी को लेंगे इस तरह से और बैक से घुमाना है। अब देखिए, ये जो लेफ़्ट साइड की तरफ फैब्रिक आपको दिख रहा है ना, ये ब्लू कलर का जो ब्लाउज पीस वाला, इसे हम मेज़र करेंगे। यहाँ पर मैं कोहनी तक देखिए मेज़र कर रही हूँ, 3 टाइम मेज़र करूँगी। यानी कि हमें 1 मीटर के करीब फैब्रिक छोड़ देना है लेफ़्ट हैंड साइड से। इतना फैब्रिक देखिए, ये 1 मीटर के करीब है ना हमारा, इसे हम छोड़ देंगे। और अब हम यहाँ पर नॉट लगाएंगे। एंड इस साड़ी को ड्रेप करते वक्त देखिए, हमें जीन्स या फिर लेगिंग्स वेयर करना है, क्योंकि ये धोती स्टाइल की होती है, पेशवाई जो हमारी साड़ी होती है। तो राइट हैंड साइड से 1 मीटर छोड़ने के बाद आपको यहाँ पर टाइटली सी नॉट लगानी है। इस नॉट को आपको टाइट इसलिए लगाना है क्योंकि इसी पर हमारी साड़ी डिपेंड होगी। तो बॉर्डर को अच्छे से ठीक करते हुए यहाँ पर हम नॉट लगाएंगे। तो इस तरह से हमने नॉट लगा लिया है। अब देखिए, अब ये 2 पार्ट में डिवाइड हो गई। ये जो लेफ्ट हैंड के साइड की तरफ हमारा 1 मीटर फैब्रिक है, इसे हम लेंगे इस तरह से और अपने लेफ्ट वाले लेग में से देखिए इस तरह से लेना है और इस तरह से हम बैक से घुमाते हुए निकाल लेंगे बैक साइड की तरफ। ये देखिए, अब यहाँ पर इसके दोनों किनारों को हमें इस तरह से लेना है और हम प्लीट्स बनाएंगे। तो बॉर्डर के अकॉर्डिंग यहाँ पर मैं प्लीट्स बना रही हूँ। इस तरह से देखिए, हमने प्लीट्स को बना लिया है। अब इसे मैं एक सेफ्टी पिन की हेल्प से यहाँ पर सिक्योर करूँगी। तो देखिए, इस तरह से हमने सेफ्टी पिन लगा लिया। इसे हमें बैक में टकिंग करना है एकदम बीचों बीच में इस तरह से। देखिए, इस तरह से हमने टक किया ना। अब ये कुछ इस तरह से आपको नज़र आएगा और जो नीचे की जितनी भी बॉर्डर है इसे अच्छे से ठीक कर लेना है। ये कहीं से भी मुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए। और देखिए, अब हमने ठीक कर लिया है, हमारा लेफ्ट लेग पूरी तरह से तैयार हो गया है। अब सेम प्रोसेस हम अपने राइट वाले लेग में करेंगे। तो देखिए, राइट वाले लेग को इस तरह से उठाना है, साड़ी को बैक से घुमाते हुए हम फ्रंट की तरफ लेकर आएंगे। और अब हमें अपने पल्लू को यहाँ पर बनाना है। तो ये मेरी साड़ी का पल्लू है और इसके दोनों सिरों को इस तरह से मैं पकड़ रही हूँ। और यहाँ पर अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग चौड़ी या पतली प्लीट्स आप बना सकते हो, बट जब भी आप फर्स्ट प्लीट उठाओ ना जो सामने की हो, तो वो चौड़ी लो और उसके अकॉर्डिंग बाकी की प्लीट्स पतली होनी चाहिए ताकि अनइवन प्लीट्स ढक जाए। अब देखिए, हमने यहाँ पर प्लीट्स को बना लिया है, इसे अच्छे से अरेंज करेंगे। अब देखिए, फर्स्ट प्लीट हमारी चौड़ी है और उसके अकॉर्डिंग बाकी की प्लीट्स पतली है, इसे अच्छे से हम छटक लेंगे। और ये काफ़ी सॉफ्ट सिल्क है, इस वजह से देखिए बहुत ही अच्छे से सेट हो जाती है। तो यहाँ पर मैं 1 बाय 1 अरेंज कर रही हूँ और इतना पार्ट हमारा रेडी हो गया है। इसे मैं अपने लेफ्ट वाले शोल्डर पे इस तरह से रख रही हूँ और फिर मैं आगे भी ऐसी अपनी प्लीट्स को अरेंज करूँगी। अब यहाँ पर देखिए, आपको हैंड से पकड़े रहना है और सभी प्लीट्स को यहाँ पर अरेंज करना है 1 बाय 1। तो इस तरह से अरेंज कर लिया मैंने फिर से और इसे अपने लेफ्ट वाले शोल्डर पे रख लिया है। यहाँ पर पल्लू की लेंथ मैंने घुटने तक ही रखी है। अब हम अपने ब्लाउज के शोल्डर में इसे सेफ्टी पिन की हेल्प से सिक्योर करेंगे। तो इस तरह से देखिए, हमने शोल्डर में अपने सेफ्टी पिन भी लगा लिया है ब्लाउज के। और पल्लू की लेंथ बहुत ज़्यादा नहीं रखनी है, घुटने तक ही रखी है हमने, क्योंकि यहाँ पर हमें थोड़ी ज़्यादा साड़ी चाहिए होगी जिगजैग पैटर्न के लिए। अब सामने की प्लीट्स को अच्छे से ठीक करते हुए ये जो अंदर वाला बॉर्डर आपको दिख रहा है ना, इसे लेते हुए बैक में लेकर जाना है और टकिंग करना है। यहाँ पर मैं टक करते वक्त देखिए, ये जो फर्स्ट जो हमने अपना तैयार किया था ना प्लीट्स, उसके नीचे इसे टक किया हुआ है। और अब मैं एक सेफ्टी पिन ले रही हूँ और जो हमने फैब्रिक सामने के पल्लू की लाते हुए बैक में टकिंग किया है ना, उसे प्लीट्स के साथ यहाँ पर सिक्योर कर रही हूँ।
इस तरह से आप सिक्योर करोगे ना, तो देखिए जो ये सामने की पल्लू वाली है ना, ये नहीं खुलेगी बार बार, नहीं तो ये खुल सकती है। तो इस तरह से आप इसे यहाँ पर सेट कर लें। अब इस तरह से सेट कर लेने के बाद देखिए ये जो हमारा फैब्रिक जितना भी बच गया है साड़ियाँ, इस तरह से आपको नज़र आएगी ना, इसकी हमें प्लीट्स बना ली हैं। तो देखिए यहाँ पर मैं थंब से बैक, थंब और फिंगर से पकड़ी हूँ और सामने की टू फिंगर में फंसाते हुए प्लीट्स को बना रही हूँ। यहाँ पर मैं नॉर्मली प्लीट्स बना रही हूँ, जैसा कि हम नॉर्मल साड़ी में प्लीट्स बनाते हैं बिल्कुल वैसे ही आपको प्लीट्स बनानी है। तो ऐसे हम सभी साड़ियों के यहाँ पे प्लीट्स को बना लेंगे। इस तरह से देखिए हमने सभी साड़ियों की प्लीट्स को बना लिया है। इसे अच्छे से यहाँ पर अरेंज करेंगे। तो इस तरह से बॉर्डर मिलाते हुए हमने सभी प्लीट्स को इक्वल करते हुए अरेंज कर लिया है। अब हमें जहाँ टकिंग करना है वहाँ पर इसे सेट करते हुए अरेंज करना है। तो देखिए बेली बटन के ठीक सामने रखते हुए मैं यहाँ पर इसे अरेंज करूँगी। तो साइड से हाफ हाफ सेंटीमीटर का गैपिंग रखते हुए हम वन बाई वन प्लीट्स को पकड़ लेंगे और बेली बटन के ठीक सामने रखते हुए इसे टकिंग करना है इस तरह से। तो देखिए हमने टकिंग कर लिया है। अब इतना पार्ट टकिंग कर लेने के बाद ये जो फैब्रिक आपको दिख रहा है ना नीचे से, यहाँ पर देखिए इस तरह से आपको उठाना है। ये देखिए इस तरह से आपको नज़र आएगा, इसको आपको लेना है। जितना कि हमारा बॉर्डर है ना उतना ही मैं यहाँ पर ले रही हूँ, बॉर्डर को छोड़ते हुए यहाँ पर देखिए मैं यहाँ टक कर रही हूँ सामने प्लीट्स के जस्ट बगल में इसे टकिंग करना है। और मेरी साड़ी का फैब्रिक यहाँ पर अगर आप सॉफ्ट सिल्क लेते हो तो काफ़ी ईजी हो जाता है इसे सेट करना। अब ये देखिए इस तरह से ट्रायंगल शेप में नज़र आएगा आपको। इसे इस तरह से हाथों से प्रेस करते हुए बॉर्डर को देखिए अच्छे से जब आप ठीक करोगे ना तो ये खुद ब खुद एक ट्रायंगल शेप बन जाता है। अब इसका कॉर्नर देखिए जहाँ पर ख़त्म हो रहा है ना ट्रायंगल का, देखिए जो कॉर्नर जा रहा है बिल्कुल उसके सीध में इस तरह से आपको फैब्रिक को पकड़ना है। अब देख रहे हो ना इस तरह से फैब्रिक को लेना है और जो फर्स्ट वाला ट्रायंगल बना हुआ है यहाँ पर इसे सेफ्टी पिन की हेल्प से सिक्योर करना है। तो देखिए इस तरह से हम अच्छे से ठीक कर लेंगे। और मैं एक छोटी सी सेफ्टी पिन ले रही हूँ, बहुत ज़्यादा सेफ्टी पिन का यूज़ नहीं करेंगे, केवल 3 सेफ्टी पिन मैं लगाऊंगी और बहुत सारे जिगजैग पैटर्न यहाँ पे बन जाएंगे। तो देखिए फर्स्ट सेफ्टी पिन हमने यहाँ लगा लिया है और फिर से यहाँ पर हम बॉर्डर को ठीक करेंगे ना तो ये ट्रायंगल बनेगा। और ये देखिए इसका कॉर्नर इस तरह से जा रहा है, उसके ठीक सिधाई में मैं यहाँ पर फैब्रिक को ले रही हूँ इस तरह से। देखिए ये कॉर्नर के ठीक सिधाई में मैंने फैब्रिक को लिया और फर्स्ट वाला जो ट्रायंगल था उसके साथ यहाँ पर लेते हुए इसे सेट कर लिया है। यहाँ पर ये पार्ट थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है बट अगर आप ध्यान दोगे तो आसानी से बना पाओगे। फिर से हम सेफ्टी पिन की हेल्प से यहाँ पर सिक्योर करेंगे और ये मेरी सेकेंड सेफ्टी पिन है। अब देखिए ये इतना पार्ट हमारा बन गया है इस तरह से। अब इसके थोड़ा सा नीचे देखिए फिर से मैं वैसे ही बॉर्डर को ठीक कर रही हूँ और ये देखिए ये ट्रायंगल ख़त्म हुआ, इसका कॉर्नर देखिए यहाँ पर जा रहा है इस तरह से। ये देखिए ये वाला जो कॉर्नर दिख रहा है ना, जो ये वाला कॉर्नर, इसी कॉर्नर के ठीक सिधाई में इस तरह से आपको फैब्रिक को पकड़ना है और जो फर्स्ट ट्रायंगल बना हुआ है उसके पास इसे लेकर जाते हुए सेट करना है। और फिर से ये देखिए ये मेरी थर्ड सेफ्टी पिन मैं लगा रही हूँ, छोटी सी सेफ्टी पिन है और इस तरह से हमने सेफ्टी पिन लगा लिया है। टोटल 3 सेफ्टी पिन लगाए हैं और इतने सारे जिगजैग पैटर्न आपके बन जाने वाले हैं। और ये नॉर्मल सिल्क की ही साड़ी है, बाय लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल ही जाएगा, आप चेकआउट भी कर सकते हो। आप में से बहुत सारे लोग बोलते हो कि मेरी साड़ी नॉर्मल नहीं होती है बट मैं ऑनलाइन ही परचेज करती हूँ। और यहाँ पर आप देख सकते हो थोड़ी सी ज्वेलरी के साथ मैंने इस लुक को कैरी किया हुआ है, ये कितना ज़्यादा स्टाइलिश और ब्यूटीफुल दिख रहा है। आई होप कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो। मेरा ड्रैपिंग स्टाइल अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। इसी तरह की और वीडियो देखने में इंटरेस्ट रखते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप चाहें तो हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, हमारे इंस्टाग्राम आईडी का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आपकी कोई रिक्वेस्टेड वीडियो या सुझाव कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिएगा। सो आज की वीडियो में इतना ही, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय।